हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। अगर कोई इंसान अपना रास्ता चुनता है तो उस रास्ते पे चलने के लिए उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वह रास्ते पर टकटकी लगाकर देखता रहता है कि क्या वो अपने गोल तक पहुंच पाएगा, क्या उसे सक्सेस हासिल होगी। तो चलिए इसी पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं। जब इंसान आगे बढ़ता है तो उन्हें बढ़ने के लिए उसके पास एक ड्रीम होना चाहिए, उसे कोई इंस्पायर करने वाला होना चाहिए, उसे करेज करने वाला ज़रूर होना चाहिए। ये आप भी जानते हैं, आप अपनी फैमिली में देखते हैं अपने माता पिता को, ठीक है, माता पिता को देखते हैं कि वो कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, कैसे हमारी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। आप उनसे इंस्पायर होते हैं। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा इंस्पायर करते रहना चाहिए और सपने देखते रहना चाहिए। अपनी लाइफ में कभी भी कैन नॉट वर्ड नहीं आने देना चाहिए, हमेशा कैन यानी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास बुद्धि है, शक्ति है, क्षमता है, हम फिजिकली स्ट्रांग हैं और हमें करने के लिए दृढ़ निश्चय है। तो हम लोगों को कैन नॉट कभी भी यूज़ करना नहीं चाहिए, हमेशा कहना चाहिए कैन। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हम किसी से कम होते तो आज यहाँ नहीं होते। इसलिए अपने ऊपर सबसे पहले विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर विश्वास करोगे तभी तो किसी से मोटिवेशन ले पाओगे, तभी तो इंस्पायर होगे। जब हमें अपने ऊपर विश्वास भी नहीं है तो हम किससे मोटिवेशन लेंगे, हम कैसे दूसरों से इंस्पायर हो सकते हैं। हमेशा बिग ड्रीम, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। और बड़ा सोचने के लिए क्या करना चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए। भाई मेहनत करोगे तभी तो अपना सपना पूरा करोगे। अभी आप सोचो कि मुझे भूख लग रही है रोटी बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। रोटी खाने के लिए रोटी बनानी पड़ेगी, अपना पसीना थोड़ा सा बहाना पड़ेगा, धूप में जलना पड़ेगा, चूल्हे की आग में सिकना पड़ेगा, तभी तो रोटी बनेगी। तो इसलिए हार्डवर्क करते रहना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप को नहीं कहना चाहिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए तो मोटिवेशन वही लेते हैं जो अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं। जब अपने आप को आप खुद ही मोटिवेट नहीं करोगे तो दूसरे की कितने भी वीडियो सुन लो मोटिवेशन की, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप इंस्पायर नहीं होगे, क्योंकि आप खुद ही होना नहीं चाहते। इसलिए कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके दिखाना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ सफलता की तरफ, शिखर की तरफ, ऊंचे पहाड़ की तरफ खड़ा होता हुआ देख पाएंगे और तभी आपको सफलता हासिल होगी। तो इसीलिए सबसे पहले अंदर से अपने आप की इच्छा शक्ति जगाओ कि आप कर सकते हो, तभी दूसरे से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम दूसरों से इंस्पायर होंगे और आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे और अपना जो भी ड्रीम है उसे पूरा कर पाओगे। आई होप सो आपको ये छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाने की, समझाने की, इंस्पायर करने की, मोटिवेशन देने की पूरी कोशिश करी है, अच्छी लगी हो। और आप हार्ड वर्क करें, अपने आप को पहले खुद इंस्पायर करें, अंदर से खुद मोटिवेट करें, तभी आप दूसरों से मोटिवेट हो पाओगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कुछ नया और ख़ास लेके। जब तक ओके टाटा बाय बाय, नमस्ते एंड ऑल द बेस्ट।